यूके में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तानाबूद करने वाले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जहां पाकिस्तान विश्व मंच पर अकेला पड़ गया है, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक पर भारत को कई देशों का साथ मिल रहा है। भारतीय सेना की कार्रवाई का रूस ने खुलकर समर्थन किया। भारत में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर एम कदाकिन ने कहा कि उनका देश भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत करता है, क्योंकि हर देश को अपनी हिफाजत करने का पूरा अधिकार है। रूस ने कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान से कहा था कि वो अपनी जमीन पर आतंकवादी समूहों की गतिविधियां रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए। कदाकिन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा, सीमा पार आतंकवाद से मुकाबले में उनका देश हमेशा ही भारत के साथ रहा है। सबसे बड़ा मानवाधिकार उल्लंघन तब होता है जब आतंकवादी भारत में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करते हैं और शांतिपूर्ण नागरिकों पर हमले करते हैं। हम लक्षित हमले का स्वागत करते हैं। प्रत्येक देश को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, रूसी राजदूत ने कहा। उन्होंने भारत को ये भरोसा भी दिया कि उसे रूस पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।